यहाँ पे शंकर भगवान ने आके वास किया था जब भस्मासुर उनको हाथ रख के भस्म करने वाला था। पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ अगर आप ध्यान से पॉज करके देखना, ये गणेश मुखी मंदिर है। देखो गणेश के मुंह जैसा पूरा इसका पैटर्न बना हुआ है और ये पहला स्पॉट है जिस गाइस गाड़ी पार्क करने के बाद आपको नियर अबाउट 500 मीटर्स आना पड़ेगा। सीधा रोड है, कोई उसमें टर्न वर्न नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे आके ये आप देख रहे हैं J&K टूरिज्म वेलकम टू शिवखोरी केव्स। इधर आके आपको घोड़े मिलेंगे और हम थोड़ा सा जल्दी में है। रीज़न ये है कि ऑलरेडी जैसा कि आप देख सकते हैं 2:10 है और लेट हो गए। प्राचीन जो गुफा है जिसका महत्व है सबसे ज़्यादा वही देखने आए हैं, तो फटाफट जा रहे हैं जल्दी। और ये है द्वार, शिवम द्वार। इस गेट से अंदर जाएंगे, ये देखो कितना प्यारा है। चेतक नाम है गाइस, ये है चेतक, तो आज मैं इसके ऊपर बैठूंगा। थैंक यू भाई बैठाने के लिए। हाँ देखो कितना प्यारा है, हाउ अंडरस्टैंडिंग। ओ देखो कितना प्यारा है गाइस, सी हाउ गुड ही इज। सो गाइस मैं बैठने वाला था अभिनंदन पे, बट जैसा कि मन्नी को आप जानते हो, नीच ने घोड़ा कर दिया चेंज। बट नेवर द लेस अब मैं बैठा हूँ सेल्फी पे। बहुत ही प्यारी घोड़ी है और गित्तू आ रही है पीछे, उसका तो वही चेतक। एंड नाउ वी आर एंट्रिंग, अब यहाँ से अंदर जाएंगे। एंड सो फार एवरीथिंग इज़ गुड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। कितने घोड़े हैं तेरे पास? वाह, घोड़ा रखा हुआ था। सो गाइस जब आप घोड़े से आएंगे तो यहाँ पे आपकी पर्ची कटेगी। आन जान के जो चार्जेस है 500 है, तो कोई अगर कोई भी शिव खोड़ी आ रहा है तो ये भाई का नंबर, अपना नंबर बता देना ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पे करा देंगे आपको। तो अब चलते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। तो गाइज अभी ये जस्ट शेड से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये सामने जो पहाड़ आप दिख रहा है, ये पहाड़ अगर आप ध्यान से पॉज करके देखना, ये गणेश मुखी मंदिर है। देखो गणेश के मुंह जैसा पूरा इसका पैटर्न बना हुआ है और ये पहला स्पॉट है जिसपे आप लोग दर्शन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक। और अभी हम धीरे धीरे चलते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो मेरे साथ जो है वो नाम सचिन शर्मा नाम है। सचिन साथ है हमारे, सचिन तेंदुलकर। सचिन शर्मा। गाइस व्यू देखिए, क्या कमाल का व्यू है। वर्दी, इट इज़ वर्थ टू कम हेयर। आइए आप चाहे तो आप लोग पैदल भी जा सकते हो, बट जैसा कि जान रहे हो लॉकडाउन में सबको दिक्कत है, तो अगर आप इन लोगों की भी हेल्प कर दो तो अच्छा है। घोड़ों को भी खाना मिल जाएगा और इनका थोड़ा सा बिजनेस चल जाएगा, सो ओवरऑल इट्स गुड। चल सो गाइस जो सेकंड स्पॉट है इस जर्नी का वो ये राम मंदिर है। तो आप जब भी चढ़ाई करेंगे, साधु जी ने बनाया है। अच्छा, तो ये यहाँ कोई लोकल साधु होंगे, उन्होंने बनाया है राम मंदिर। तो अब हमें यहाँ से राम मंदिर के पास से होना है राइट, इस डायरेक्शन में जाना है। क्या बन रहा है? अच्छा ये जो नदी है जिसमें अभी पानी नहीं है, ये दूध गंगा है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। ओहो फीलिंग, बाबा की फीलिंग। सो गाइस हम लोग पहुंच गए शिव जी के धाम और देखिए क्या मस्त अभी सजाया हुआ है। अब यहाँ पे सामान रखेंगे और फिर आगे जाएंगे। हमारे शिव खोड़ी के दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ दिस खोड़ी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शिव मतलब शिव भगवान, खोड़ी मतलब डोगरी भाषा में गुफा। सो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेस, यहीं से दिखा रहा हूँ। अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया था क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं होता है।
तो आप ये देख लीजिए। तो ये बाबा की गुफा है, बाबा मतलब भोलेनाथ। तो आप यहाँ से जाते हैं, इधर से आपको अंदर जाना है और फिर बहुत ही तंग रास्ता हो जाता है। यहाँ पे शंकर भगवान ने आके वास किया था, जब भस्मासुर उनको हाथ रख के भस्म करने वाला था तो उन्होंने यहाँ बहुत सारे महीने बिताए थे। तो कैलाश पर्वत पे जितने भी लोग थे सबको लेके इस गुफा में आ गए थे और वहाँ से इस गुफा की एग्ज़िट है, ठीक है। अंदर सब मूर्तियाँ हैं विष्णु भगवान की, इनकी, सबकी, दो लोग हैं अंदर हैं। और इस तरीके का कुछ सारा यहाँ पे माहौल है। और देखिए, इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है, इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सॉरी फॉर देट। बट मैंने सोचा क्यों ना आपको मेन एंट्रेंस के दर्शन करा दिए जाए, परमिशन लेके यहाँ तक आया हूँ। तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है, शिव खोड़ी का, शंकर भगवान का स्थान, जहाँ पे उन्होंने कई दिन कई महीने यहाँ पे रहे थे भस्मासुर से बचने के लिए। तो होप, आशा करता हूँ कि आपको ये स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। तो अभी कुछ खाते हैं और फिर दोबारा से अपना घोड़ा लेके वापस नीचे जाते हैं। टाइम 5 बज गए तो जल्दी जल्दी अब सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो गाइज़, हम लोग आ गए वापस एंड हमारी जो शिव खोड़ी की यात्रा थी वो हो गई है फिनिश। ऑल थैंक्स टू सचिन, जिसने क्या कहते हैं हमारे को अपने घोड़े पे सवारी कराई। एंड ये प्यारी सी घोड़ी जिसका नाम है सेल्फी, तो देखो सचिन की हॉर्स है ये, जिस पे ये लोगों को सवारी कराता है, बहुत अच्छी है, ओनली 3 इयर्स। सो गाइज, ये देखो घोड़े पे बैठा है। oh, no! और ये नोनू जी का, ओए होए, क्लास तो नोनू के घोड़े की थी। चलो सो गाइज, हम लोग वापस आ गए जाके शिव खोड़ी से। और अभी जो टाइम हुआ है वो हो रहा है 8:20, और आप देख सकते हैं ये कटरा के मेन चौक पे हैं हम लोग। पीछे जगराता चल रहा है बहुत ही अच्छा। तो अभी होटल जाते हैं और सोते हैं और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो आप लोगों को पता है क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अपने कमेंट्स बताइए कि आप किस तरीके का डाटा और देखना चाहते हैं ब्लॉग्स, तो हम लोग उसी टाइप के ब्लॉग्स बनाएंगे। ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी थी तो उसी टाइप के बनाएँ। अब कल हम जाएंगे वापस चंडीगढ़, तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड और खाना खाते हैं। लाइक कर दिया करो यार। हाँ बोलो, लाइक कर दिया करो ब्लॉग को। हाँ, लाइक करने में थोड़ी कोई पैसे लग रहे हैं। सही बात, फ्री है वो, उसे दबाओ, जितनी बार दबा सकते हो दबा दो। दबाओ एक बार। सब लाइक करके कमेंट छोड़ो उन सबका, चैनल मैं भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूंगा।